बिस्मिल्लाम्स आज हमारा लेक्चर नंबर नाइन है इन टेक्स बुक ऑफ इकानोमेट्रिक्स बाई एग्जाम्पल विच इज रिटन बाई गुजराती यह हमारा चैप्टर टू है फंक्शनल फॉर्म्स ऑफ रिग्रेशन मॉडल पार्ट थ्री टुडे वी विल डिस्कस टेस्ट इन वेलिडिटी ऑफ लीनियर दी लॉग लीनियर ऑफ डब्ल प्रोडक्शन फंक्शन पीटी टू प्रोडक्शन डेटा शो डेट दफ दी आउटपुट लेबर एंड आउटपुट कैपिटल इलास्टिसिटी इज जीरो पॉइंट नाइन एट विच इज अबाउट टू वन परसेंट विच इज अबाउट वन दिस वुल्ड सजेस्ट डेट दियोर वर कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्के हाउ डू वी टेस्ट दिस एक्सप्लेटली मतलब ये है कि लॉग लेनियर में हमने जो प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था जब हमने कौप, प्रोडक्शन फंक्शन जो है वो हमने इस्टिमेट किया था ठीक तो है तो इसकी जो कूपिशन है ठीक है इसकी जो कूपिशन है बीटा टू और बीटा थ्री की जो एडिशन है वो हमारे साथ जीरो पॉइंट नाइन एट नाइन सिक्स आ गया था ठीक है विच इज़ नियर टू अबाउट वन ठीक है तो अब इसका मतलब ये था कि इन दोनों का एडिशन जो है वो वन के बराबर था इसका मतलब ये था कि कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल ठीक है तो हम इसको अभी टेस्ट कर लेते हैं कि कैसे जो है कुछ रिस्ट्रिक्शन हम लगा लेते हैं ठीक है थीके? कि सी ये वन के बराबर आता है कि नहीं ठीक है इफ इनफैक्ट बीटा टू प्लस बीटा थ्री इज इक्वल टू वन विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए लीनियर रिस्ट्रिक्शन वन वेस्टिंग फॉर scale स्किल इज टू this दिस रिस्ट्रिक्शन डायरेक्टली the estimation estimating प्रोसीजर ठीक है इस तरह है हम एक अभी एक मॉडल लेते हैं ठीक है थीके? और उसपे हम कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा लेते हैं और फिर हम वो टेस्ट कर लेते हैं कि इसकी लीनियर रिस्ट्रिक्शन जो है वो वन के बराबर है कि नहीं ठीक है टू सी हाउ दिस इज डन वी कैन राइट हमने हमने ये स्टीमेट किया था कि बीटा टू और बीटा थ्री इज इक्वल टू वन मतलब इसकी जो कॉपिशन ये बीटा टू जो है ये लेबर की कोपिशन है ठीक है और ये बीटा थ्री जो है ये कैपिटल की कोपिशेंटी ठीक है uh, कॉपोडक्ट प्रोडक्शन फंक्शन की जो वो वो पावर में ये आता है ठीक है ये दोनों जो है हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि ये बीटा टू और बीटा थ्री जो है वो वन के बराबर है ठीक है तो हम इसको बीटा टू और बीटा थ्री को हम इस तरह लिख सकते हैं ठीक है हम इसको इस तरह लिख सकते हैं ठीक है थीके? बीटा थ्री को मैंने राइट हैंड साइड पे डाला ठीक है तो इस तरह ये निगेटिव बन जाएगा ठीक है तो हमारे साथ क्या बन गया बीटा वन बीटा थ्री ठीक है एज अ रिजल्ट वी कैन राइट द लॉग लीनियर कॉब्डाग्लेस प्रोडक्शन फंक्शन एज हमने कॉबडग्लेस प्रोडक्शन फंक्शन जो हमने लीनियर को लीनियर फॉर्म में लिखा था ये हमारे साथ प्रोडक्शन फंक्शन है एल एन क्यू आई इज इक्वल टू ए प्लस बीटा टू एल एन एल आई प्लस बीटा थ्री एल एन के आई प्लस यू आई जहाँ पर यहाँ पर हमारे साथ क्या है बीटा टू है ठीक है तो हम इक्वेशन टू पॉइंट सेवन जो है वो हम बीटा टू की वैल्यू की जगह जो हम रिप्लेस करेंगे ठीक है ये मतलब ये जो बीटा टू की वैल्यू आ गई है वन माइनस बीटा थ्री हम इस मॉडल में बीटा टू की जगह लगाएंगे ठीक है तो हमारे साथ ये टू पॉइंट एट इक्वेशन बन गए ठीक है एल एन केव आई इज इक्वल टू ए प्लस वन माइनस बीटा थ्री एल एन एल आई प्लस बीटा थ्री एल एन के आई प्लस यू आई ठीक है इस तरह मैं एल एन एल आई को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेता हूँ ठीक है तो हम मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो ये दूसरा स्टेप ये इस तरह बन जाएगा ठीक है एल एन केई इज इक्वल टू ए प्लस एल एन एल आई प्लस माइनस बीटा थ्री एल एन एल आई प्लस बीटा थ्री एल एन के आई प्लस यू आई वी कैन राइट इक्वेशन टू फाइंड एट हम इसको इस तरह लिख सकते हैं ठीक है थीके? इसको इसका जो है ये जो एल एन एल आई है मैंने इसको लेफ्ट हैंड साइड जो है उस पर मैंने उसको डाला ठीक है तो ये हमारे सर इस तरह बन गया ठीक है एल एन क्यू आई माइनस एल एन एल आई इज इक्वल टू ए प्लस बीटा थ्री एल एन क्यू एल एन के आई माइनस एल एन एल एन एल आई प्लस यू आई ठीक है मतलब ये इक्वेशन जो है यहाँ पर हमने क्या किया यहाँ पर जो है ये एल एन एल आई है हमने इसको इस तरफ डाला ठीक है और फिर यहाँ हमने मैंने जो है एल एन के आई को एग्र कर दिया ठीक है और इसको मैंने पीछे कर लिया और हमने यहाँ पर जो है बीटा थ्री का जो है यहाँ पर हमने फिर कॉमन लिया तो हमारे हमारे साथ ये इस तरह बन गए ठीक है यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ लग्रेटम वी कैन राइट दिस इक्वेशन एज मतलब हम इसको लाग अप्लाई करेंगे ठीक है जब मैं इसको लाग अप्लाई करूंगा ये हमारे साथ लाग मेडिक की, लाग की जो प्रॉपर्टीज है तो यह हमारे साथ ये रेशो में तब्दील हो जाएगा ठीक है आई डिवाइड बाई एल एन आई ठीक है तो हमारे साथ जो है ये इस तरह बन गए ठीक है यूज इन दी प्रॉपर्टीज ऑफ लग मै थी वी कैन राइट दिस इक्वेशन इसको मैंने मतलब अगर हम इसको लग अप्लाई करेंगे ठीक है तो हमारे साथ टू पॉइंट टेन का इक्वेशन बन जाएगा ठीक है तो हमारे साथ ये इस तरह बन गया है ठीक है एल एन क्यू आई डिवाइड बाई एल आई इज इक्वल टू ए प्लस बीटा थ्री एल एन के आई डिवाइड बाई एल आई प्लस यू आई ये इसको हमने इक्वेशन

एबी एस सीजन ये जो हमारे साथ यहाँ पर हमने जो रेशो फॉर्म में यहाँ पर लिखा है इसको भी हमने रेशो फॉर्म में लिखा है तो ये इक्वेशन जो है टू पॉइंट टेन जो है इसको हमने रिस्ट्रिक्टेड इक्वेशन का नाम दिया है ठीक है रिस्ट्रिक्टेड इक्वेशन का नाम ठीक है और यहाँ पर जो इक्वेशन है हमारे साथ आता है टू पॉइंट फोर की जो इक्वेशन नाम हमने दिया था यहाँ पर यह इसको हम अनरिस्ट्रिक्टेड मॉडल कहते हैं ये हमारे साथ क्या है अनरिस्ट्रिक्टेड इक्वेशन बन गया ठीक है और ये हमारे साथ जो टू पॉइंट एट टू पॉइंट वन जीरो है ये हमारे साथ क्या है रिस्ट्रिक्टेड इक्वेशन है ठीक है ये हमारे साथ जो टू पॉइंट फोर है ये ये अनरिस्ट्रिक्टेड इक्वेशन है ठीक है और ये जो टू पॉइंट वन जीरो है ये हमारे साथ क्या है

इक्वेशन टू पॉइंट वन जीरो जो है ये जो हमारे साथ रिस्ट्रिक्टेड इक्वेशन है ठीक है मैं अभी जो है इसको एस्टिमेट कर लेता हूँ उस तो हमारे साथ जब हमें, जब हमने इसको estimate किया तो ठीक है तो हमारे साथ इस तरह जो है इस तरह एक फंक्शन बन गया है ठीक है मतलब ये इस तरह रिजल्ट हमारे साथ अभी आ गई है ठीक है ये मैंने डायरेक्टली जो है बुक से डाउनलोड की है ठीक है तो यहाँ पर मैंने बाय एग्जांपल की बुक में यहाँ पर एस्टिमेट हुआ है टेबल टू पॉइंट फोर इसका नाम है ठीक है कॉबडा प्लस प्रोडक्शन फंक्शन विद लीनियर रिस्ट्रिक्शन ठीक है यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो लॉग आउटपुट डिवाइड बाय लेबर की जरूरत है ठीक है और यहाँ पर जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है लॉग कैपिटल डिवाइड बाय लेबर की जो रेशियो ठीक है थीके? इसको ये डिपेंडेंट वेरिएबल है हमारे साथ क्या है इनडिपेंडेंट वेरिएबल है ठीक है इसकी जो कोपिशन है ठीक है ये हमारे साथ क्या है जीरो पॉइंट फाइव टू है ठीक है इन दोनों की जो रश है वो हमारे साथ क्या है जीरो पॉइंट फाइव टू है ठीक है हम इसको देख सकते हैं ये ये जो रिजल्ट इसकी आया है ठीक है ये ये सिग्निफिकेंट रिजल्ट यहाँ पर आया है ठीक है अब जो है क्वेश्चन आता है कि हम इसको इस्टीमेट कैसे करते हैं मतलब कौन सा डेटा हम यूज करेंगे ठीक है नोट पर टेबल टू पॉइंट फोर एस्टिमेशन वी यूज टेबल टू अंडर स्कोर वन ठीक है तो यहाँ पर जो हमारे हमने प्रीवियस लेक्चर में डेटा डाउनलोड किया था ठीक है इकोनोमेटिक्स बाई एग्जाम्पल की ऑफिशियल वेबसाइट से हमने डाउनलोड किया तो हम इसमें ये डेटा यूज करेंगे ठीक है टेबल टेबल टू अंडर स्कोर वन ठीक है यहाँ पर जो ये डेटा हमने यूज किया टेबल टू अंडर स्कोर वन ठीक है ये रिजल्ट हमने यहाँ उस उस डेटा से इस्टीमेट किए ठीक है ये इव्यूज़ के आउटपुट है ठीक है और इस लेक्चर में जो है टेबल टू पॉइंट फोर जो है स्टेट आउटपुट है ठीक है स्टेट पे हम मैंने इसलिए इस्टिमेट किया था क्योंकि हमारे साथ जो रिजिटवल यहाँ पर आए हैं इसको मैं जो है ये हमारे साथ जो ये जो मॉडल है ठीक है ये हमारे साथ रिस्ट्रिक्शन की मॉडल है ठीक है रिस्ट्रिक्टेड मॉडल है ठीक है जो हमने उजर इक्वेशन टू पॉइंट वन जीरो का नाम दिया था ठीक है तो ये जो रिस्ट्रिक रिस्ट्रिक्टेड मॉडल है ये हमारे साथ आर आर एस एस रिस्ट्रिक्टेड मॉडल रिस्ट्रिक्टेड मॉडल ठीक है मतलब सम ऑफ समयर जो है यहाँ पर स्टेटा uh, में मैंने इसलिए इसको इस्टीमेट किया ठीक है कि व्यूज़ के आउटपुट में हमारे साथ जो है आर एस एस नहीं होता मतलब रिजिजबल सम ऑफ स्क्र वो इस्टिमेट नहीं करते ठीक है तो मैंने इसलिए स्टेटा को उसमें दोबारा इस्टिमेट किया क्योंकि यहाँ पर जो है हमें एनोवा टेबल देता है ठीक है ये जो रिजिजबल वन है ये इसका ये जो हमारे साथ क्या है ये हमारे साथ आर एस एस है ठीक है आर एस एस ऑफ रिस्ट्रिक्टेड मॉडल है ये हमारे साथ क्या है आर एस एस ऑफ रिस्ट्रिक्टेड मॉडल ठीक है प्रीवियस लेक्चर में हमने ये इस्टीमेट किया था ठीक है यहाँ पर मैंने दिखाया है दिस इज ऑलरेडी डन इन प्रीवियस लेक्चर ठीक है प्रीवियस लेक्चर में मैंने कॉप डबल की अनरिस्ट्रिक्टेड मॉडल को हमने इस्टीमेट किया था यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल एल आउटपुट है ठीक है ठीक है और यहाँ पर जो है एलन लेबर है और यहाँ पर एलिन कैपिटल है ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है ठीक है और इसकी जो स्टेट आउटपुट है ये जो अनरिस्ट्रिक्टेड की जो ये हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है ठीक है इसकी जो स्टेटा की जो आउटपुट है ठीक है जो अनरिस्ट्रिक्टेड मॉडल के जो है इसकी आरएसएस जो है अनरिस्ट्रिक्टेड मॉडल जो है ये हमारे साथ क्या है थ्री पॉइंट फोर वन है ठीक है तो अभी मैं इसको प्रैक्टिकली जो है इस्टिमेट कर लेता हूँ ठीक है तो पहले हम इसको हम अनरिस्ट्रिक्टेड रिस्ट्रिक्टेड मॉडल को इस्टीमेट करेंगे ठीक है पहले मैं रिस्ट्रिक्टेड मॉडल को इस्टीमेट करूँगा ठीक है इव्यूज़ में भी इस्टीमेट करूँगा ये रिजल्ट हमारे पास साथ आ जाएगा ठीक है और स्टेटा में मैं इसलिए इस्टिमेट करूंगा ठीक है क्योंकि इव्यूज़ की जो आउटपुट है उसमें आर एस एस नहीं होता ठीक है और स्टेटक आउटपुट में आर एस एस होता है इसलिए मैं तो जो है स्टेटक पर भी इस्टीमेट करूँगा और इमूज में भी मैं इसको इस्टीमेट करूंगा ठीक है तो पहले मैं आ गया ठीक है मैं जो है अपने डेटा पे आ गया ठीक है यहाँ पर एक्सेल फाइल जो हमने इकानोमेटिक्स बाई एग्जाम्पल जो है उसकी अफिशियल वेबसाइट से हमने डाउनलोड किया था ठीक है तो मैंने उसको अपना डाटा फाइल ओपन कर दिया ठीक है जब मैंने ओपन कर दिया तो ये हमारे साथ टेबल टू अंडर स्कोर वन है ये डेटा जो है चैप्टर टू में यूज किया गया है ठीक है इकानोमेटिक्स बाई एग्जाम्पल ने उधर यूज किया गया है तो वही डाटा जो है मैं यूज करूंगा क्योंकि okay, हमारा रिजल्ट जो है वो सेम आ जाए ठीक है तो यहाँ पर जो है ये आप देख सकते हैं ये हमारे साथ क्या है आउटपुट है लेबर है कैपिटल है ये जो है लाख के पास है ठीक है यहाँ पर लाख उसका लिया है ठीक है और यहाँ पर जो है यहाँ पर ली है ठीक है ये हमारे साथ क्या है एल एन आउटपुट और लेबर की जो रेशियो है ठीक है ये जो रिस्ट्रिक्शन रिस्ट्रिक्टेड मॉडल में हम यूज करेंगे ठीक है और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं एल एन कैपिटल लेबर रेशियो है ठीक है ये दो वेरिएबल हम टू पॉइंट फोर में यूज करेंगे ठीक है तो मैंने इसको काट कर दिया ठीक है तो ये डेटा जो है इस simple मैंने कर दिया ठीक है कर दिया ठीक है और अपना फाइल जो है मैंने ओपन कर दिया पर मैंने ड्रैप कर दिया ठीक है इसके बाद जो है नेक्स्ट 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 के बाद जो है फिनिश में कर लेता इसके बाद नो ठीक है हमारे साथ जो है हमने डेटा को व्यूज में इंपोर्ट कर दिया ठीक है इसके बाद मैं एक क्विक पे आ गया ठीक है क्विक पे क्विक आने के बाद मैंने इस्टीमेट एक लगाया ठीक है अब हम जो है अपना टेबल टू पॉइंट फोर जो है देख सकते हैं ठीक है या यहां पर हमारे साथ क्या है डिपेंडेंट वेरियबल ये जो रिस्ट्रिक्टेड मॉडल है ठीक है ठीक है लाख आउटपुट डिवाइड बाई लेबर रेशियो है ठीक है और यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है हमारे साथ लाख कैपिटल लेबर रेशियो है ठीक है इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो मैं जो है ये हमारे साथ मैं इसको एल आउटपुट ठीक है यहां पर मैं लिखता हूं ठीक है आउटपुट और लेबर यहां पर जो डेटा है एल एल एन आउटपुट आवर लेब ये हमारे साथ जो है आउटपुट लेबर की रेशियो है ठीक है एंड देन स्पेस सी एंड देन इंडिपेंडेंट राइट इंडिपेंडेंट वेरिएबल ठीक है तो यहां पर हमारे साथ क्या है कैपिटल लेबर रेशियो ठीक है एल एन कैपिटल लेबर रेशियो एल एन कैपिटल लेबर रेशियो ठीक है तो आई रिपीट मतलब हमने यहाँ पर डिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल वेरिएबल लगाने हैं हमारे साथ क्या है एल एन आउटपुट लेबर रेशियो ठीक है यहाँ पर आउट लिखा है ओ टू आउटपुट को ठीक है और एल ए बी जो है लेबर को स्टैंड कर रहा है ठीक है, है और इसके बाद जो है हमने कांस्टेंट डाला ठीक है और इसके बाद जो है हमने कैपिटल लेबर रेशियो कैप पर कैपिटल ले, और लेब पर लेबर रेशियो ठीक जब मैं उसको ओके कर लेता हूँ तो ये हमारे साथ सक्सेसफुली जो है वो हमारा टू टेबल टू पॉइंट फोर जो है वो एस्टिमेट हो गया ठीक है यहाँ पर आप इसके कूपेशन जो है वो देख सकते हैं जीरो पॉइंट फोर फाइव टू ठीक है फाँट 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 और यहाँ पर भी मैं आपको इस इस तरह आप ओपन कर सकता हूँ ठीक है तो इसकी जो रिजल्ट है वो हमारे साथ जो है सेम है ठीक है ये जो इसकी कैपिटल लेब, और लेबर रेशियो है वो पॉजिटिवली पॉजिटिवलीफेक्ट कर रहा है ठीक है पॉजिटिवली पॉजिटिवलीफेक्ट कर रहा है आउटपुट लेबर रेशियो को ठीक है इसकी इसको हम बाद में इंशाल्लाह वो बाद में हम इसको इंटरप्रटेशन करेंगे ठीक है लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी दोनों की जो रिजल्ट है वो हमारे साथ क्या है सेम टू सेम है ठीक है लेकिन यहाँ पर जो है एफ स्टेटिस्टिक में हमें जो है वो आर एस एस चाहिए मतलब रिजल्ट सम ऑफ स्क्वेयर हमें चाहिए ठीक है तो इसके लिए हम स्टेटा में भी इसको एस्टिमेट करेंगे ठीक है इसके बाद मैं स्टेटा में इसको ये वही डेटा में यूज करूंगा और इसको इसके बाद मैं स्टेटा में इसको एस्टिमेट करूंगा ठीक है क्योंकि यहाँ पर हमारे साथ ये आर एस एस ऑफ रिस्ट्रिक्ट मॉडल की जो आर एस एस है वो हमें चाहिए ठीक है और यहाँ पर आप नोट कीजिए कि मतलब मैंने अभी जो मॉडल एस्टिमेट किया ये हमारे साथ रिस्ट्रिक्टेड मॉडल है ठीक है और यहाँ पर ये यह स्टेटर के आउटपुट है तो मैं इसको दोबारा भी एस्टिमेट करता हूँ ठीक है तो मैं अपने एक्सेल फाइल में आ गया ठीक है इसके बाद जो है मैं टेबल टू अंडर स्कोर वन मैंने ओपन कर दिया ठीक है इसके बाद मैंने एलिन आउटपुट लेबर रेशियो इन दोनों को मैंने ओपन कर दिया और इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया ठीक है इसके बाद मैंने डायरेक्ट कर दिया और फिर कंट्रोल सी कर दिया ठीक है और अपना स्टेटा मैंने ओपन कर दिया स्टेटा ओपन करने के बाद मैंने डेटा एडिटर पे ओके okay कर दिया ठीक है डेटा एडिटर न्यू विंडो ओपन हो गए न्यू विंडो विंडो ओपन के बाद मैंने ओके okay कर दिया ठीक है ओके okay के बाद दो एक न्यू विंडो ओपन हो गया ठीक है तो मैंने दो ऑप्शन आ गए ठीक है तो मैंने सेकंड ऑप्शन को मैंने सेलेक्ट कर दिया तो यहाँ पर जो डेटा है वो हमारे साथ सिक्स सिक्स पोल जो है वो एस्टिमेट हो चुका है ठीक है सॉरी जो है डेटा जो है वो सक्सेसफुली इंपोर्ट हो गया डेटा फाइल में ठीक है यहाँ पर मैं रिग्रेशन रन करूँगा ठीक है रिग्रेस फिर मैंने आउटपुट लेबर रेशियो को सेलेक्ट कर दिया ठीक है इसके बाद मैंने कैपिटल लेबर रेशियो को सिलेक्ट कर दिया ठीक है और यहाँ पर मैंने इंटर कर दिया ठीक है सॉरी इसमें कुछ एरर आ रहा है ठीक है तो मैं इसको दूसरे दु, तरीके से कर लेता हूँ ठीक है ले रहे मॉडल स्टेटिस्टिक भी मैं आ गया ठीक है ले लीनियर मॉडल एंड रिलेटेड एंड देन लीनियर लीनियर रिग्रेशन ठीक है यहाँ पर हमारे साथ डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो आउटपुट लेबर रेशियो हो ठीक है और यहाँ पर हमारे साथ जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो कैपिटल लेबर रेशियो हो ठीक है तो मैंने इसको ओके okay कर दिया ठीक है ओके okay, करने के बाद हमारे साथ जो है रिजल्ट जो है वो, वो स्टेटा में इस्टिमेट हो गया है ठीक है और यहाँ पर जो रिजिजल की जो आर एस एस है ठीक है इस एनो अटेबल मैंने इस इसलिए इस्टिमेट कर दिया ठीक है क्योंकि हमें आर एस एस चाहिए हमें रिजिजवल सम ऑफ स्क्वेयर चाहिए ठीक है तो रिजिजल सम ऑफ स्क्वेयेयर हमारे साथ यहाँ पर रहा है रिस्ट्रिक्टेड मॉडल की ठीक है तो यहाँ पर इसलिए मैंने स्टेटा में इसको एस्टिमेट कर दिया ठीक है तो मैंने अपने स्लाइड में ऑलरेडी जो है इसको मैंने इस्टीमेट कर लिया है ठीक है तो ये जो है आर एस है रिजिटल सम ऑफ स्क्वायर है थ्री पॉइंट फोर टू ठीक है इसके बाद जो है मैंने प्रीवियस लेक्चर में जो है कॉपडा प्रोडक्शन जो है वो मैंने प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी जो है वो मैंने इस्टीमेट कर दिया है ठीक है तो ये हमारे साथ आउटपुट वही आउटपुट है ठीक है थीके? ये हमारे साथ क्या है ये जो टेबल टू पॉइंट टू की जो रिजल्ट है ये हमारे साथ अनरिस्ट्रिक्टेड मॉडल का जो है ये है ठीक है ये 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 जो ये या, आपने ये बात रख, याद रखने है कि मतलब ये 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 टेबल जो जो है ये हम मैंने इक्वेशन टू पॉइंट टेन को एस्टिमेट किया है ठीक है ये इसको हम रिस्ट्रिक्टेड मॉडल कहते हैं ठीक है थीके? ये दोनों जो आउटपुट है ये रिस्ट्रिक्टेड मॉडल है ठीक है और यहाँ पर जो टेबल टू पॉइंट टू टू है जो इक्वेशन टू पॉइंट फोर से हमने इस्टिमेट की है ठीक है यहाँ बस यहाँ मैंने ये यह इक्वेशन मैंने इक्वेशन टू पॉइंट फोर मैंने इस्टीमेट की है ठीक है तो यहाँ पर आपने याद रखना है कि ये हमारे साथ जो आउटपुट है ये अनरिस्ट्रिक्टेड मॉडल के है ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में जो है मैंने इस्टीमेट की है ठीक है और इसको मैंने स्टेटा में भी इस्टीमेट किया था ठीक है तो यहाँ पर आप यहाँ पर नोट रखो रखो ठीक है कि यहाँ पर जो ये जो रिजल है ठीक है ये मैंने लिखा है टेबल टू पॉइंट फोर ठीक है टेबल टू पॉइंट फोर ठीक है ये जो रिजिजल वन है ये हमारे साथ अनरिस्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्टेड रिजिजल है ये हमारे साथ क्या है आर एस एस रिस्ट्रिक्टेड है ठीक है और यहाँ पर जो टेबल टू पॉइंट टू टू की जो स्टेटा की आउटपुट है यहाँ पर जो आर एस एस है वो हमारे साथ क्या है अनरिस्ट्रिक्टेड की रिजिजल है ठीक है ऑफ समय है इसके बाद हम इंटरप्रिटेशन पे आ जाते हैं ठीक है थीके? इंटरप्रिटेशन ऑफ द्लस प्रोडक्शन फंक्शन विदि रिस्ट्रिक्शन दीज रिजल्ट कैपिटल लेबर रेशियो गोज आप बाई वन परसेंट लेबर प्रोडक्टिविटी गोज अपाउट वन पॉइंट टू परसेंट इन अदर वर्ल्ड द इलेक्ट्रिसिटी ऑफ लेबर आउटपुट विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल लेबर रेशियो इज वन ओवर टू परसेंट एंड दिस इलेक्ट्रिसिटी हाईले सिग्निफिकेंट यहाँ पर हम देख सकते हैं ठीक है थीके? अगर हम वन वन परसेंट लेबर कैपिटल लेबर रेबिल हम वन परसेंट कैपिटल लेबर रेशो को इंक्रीज करते हैं ठीक है थीके? तो हमारे साथ जो है आउटपुट लेबर रेशो जो है वो जीरो पॉइंट फाइव टू परसेंट इंक्रीज हो जाएगा ठीक है और यहाँ पर जो रिजल्ट हमें दी है ठीक है वो सिग्निफिकेंट आ गया है ठीक है इसके बाद नो डेट आर स्क्र ऑफ अबाउट जीरो पॉइंट थ्री एट इज नॉट डायरेक्टली comparable with the r square value of table 2.2 because the dependent variable in the two model ठीक है हम जो है यहाँ पर आपने दोबारा मैं आपको रिपीट कर लेता हूँ कि जो टेबल टू पॉइंट टू फोर है टेबल टू पॉइंट फोर जो है यहाँ पर आपने याद रखनी है ठीक है कि टेबल टू पॉइंट फोर जो है वो रिस्ट्रिक्टेड मॉडल है ठीक है रिस्ट्रिक्टेड मॉडल है ठीक है और टेबल टू पॉइंट फोर जो है वो अनरिस्ट्रिक्टेड मॉडल है ठीक है मेरा मतलब ये है कि हम जो है अभी जो है आर स्क्यूर पे रिस्ट्रिक्टेड मॉडल की जो आर स्क्यूर है और अनरिस्ट्रिक्टेड मॉडल की जो आर स्क्य है हम डायरेक्टली इसकी कंपेरिजन नहीं कर सकते बल्कि हम कंपेरिजन करेंगे एफ स्टेटिस्टिक के ऊपर क्या किसके ऊपर एफ स्टेटिस्टिक के ऊपर ठीक है टू टेस्ट वेलिडिटी ऑफ दिन रिस्ट्रिक्शन वी फस्ट डिफाइन आर एस एस आर आर एस एस आर

टू पॉइंट फोर से इस्टीमेट किया है और इसकी रिजल्ट जो है वो हमारे साथ टेबल टू पॉइंट फोर में है ठीक है और यहां पर जो एम इज इक्वल टू नंबर ऑफ लीनियर रिस्ट्रिक्शन रिस्ट्रिक्शन है यहां पर जो है वन इन द प्रिन्ट एग्जांपल ठीक है और के इज इक्वल टू नंबर ऑफ पैरामीटर इन द अनरिस्ट्रिक्टेड रिग्रेशन विच इज थ्री इन द प्रजेंट एग्जांपल ठीक है और यहां पर जो है एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ जरवेशन इन द प्रजेंट एग्जांपल ठीक है Now to test the validity of the linear restriction we use a variant of the F statistic discussed in chapter 1 F is equal to RSSR residual sum of square of restricted model minus RSS UR divided by m minus uh, residual sum of square of unrestricted model divided by m which is one whole divided by restricted ऑफ़ ऑफ़ मॉडल मतलब ये यह है यहाँ पर जो आर एस एस आर है ठीक है टेबल टू पॉइंट वन जीरो टेबल टू पॉइंट फोर में हमने इस्टीमेट किया है ठीक है और मैंने स्टेटा में भी आपको बताया था कि यह हमारे साथ टेबल टू पॉइंट फोर जो था वो हमारे साथ जो है इस्टिमेट हुआ था वो हमारे साथ रिस्ट्रिक्टेड मॉडल था तो वहां पर जो हमने स्टेटा पर मैं आपको अभी दिखाता ठीक है जो है वो हमारे साथ यहाँ पर है ठीक मतलब है वो यहाँ पर है ठीक है और यहाँ पर जो है रिजिजल सम ऑफ स्क्र ऑफ अनरिस्ट्रिक्टेड मॉडल वो हमारे साथ यहाँ पर है ठीक है तो मैंने सिंपली जो है यहाँ पर जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं ठीक है तो मैंने इसको जो सब्सिट्यूट किया है ये मैंने स्टेटा के जो आउटपुट है ये मैंने आर एस एस की आर एस एस जो है अनरिस्ट्रिक्टेड मॉडल वो हमने स्टेटा की यहाँ से ली है ठीक है आप देख सकते हैं यहाँ से मैंने ली है ठीक है और यहाँ पर जो आर एस एस ऑफ अनरिस्ट्रिक्टेड मॉडल वो मैंने सिंपली यहाँ से ली है ठीक है सिर्फ मैंने सब्सिट्यूट यहाँ पर किया है ठीक है और फिर डिवाइड बाई एन डिवाइड बाई थ्री पॉइंट वन जीरो फाइव फाइव डिवाइड बाई फिफ्टी वन माइनस थ्री इज वल टू मतलब एफ स्टेटस की जो एफ स्टेटस है वो हमारे साथ क्या आ जाएगा जीरो पॉइंट वन फोर फ्रॉम टेबल ये जो मैंने प्रोसेस किया है ठीक है ये मैंने अभी इंग्लिश में भी लिखा है फिर मैं आपको दोबारा रिपीट कर लेता हूँ ठीक है फ्रॉम टेबल टू पॉइंट टू वी एफ टेन आर एस एस ऑफ अनरिक्टेड मॉडल इज इक्वल टू थ्री पॉइंट वन फोर फाइव फाइव ठीक है एंड फ्रॉम टेबल टू पॉइंट फोर वी टेन आर एस एस आर विच इज आर एस एस ऑफ रिस्ट्रिक्टेड मॉडल विच इज थ्री पॉइंट फोर टू फाइव फाइव वी नो वी नो डेट एम इज इक्वल टू वन एंड एन इज इक्वल टू फिफ्टी वन पुट इन दिस वैल्यू इन इक्वेशन टू पॉइंट वन वन द रीडर विल फाइंड दैट द एस्टिमेटेड एफ वैल्यू इज अबाउट जीरो पॉइंट तो वन फोर टू ठीक है या फिर मैंने इस्टीमेट किया ठीक है पर दिस F वैल्यू इज नॉट सिग्निफिकेंट एक्चुअली दैल्यू ऑफ अपन इन सच एज एपजेक्ट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट इज अबाउट जीरो पॉइंट टू नाइन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो एफ स्टेटिस्टिक जो हमने फॉर्मूला से यहाँ पर जो मैं हमने लिया ठीक है एस्टिमेट हुआ है ये जो एफ स्टेटिस्टिक है ठीक है ये इसको मैंने एप दी है ठीक है और यहाँ पर जो हम टेबल से लेते हैं हमने इसको क्या कहा है एप स्टार यहाँ पर हमने कहा है ठीक है तो ये हमारे साथ क्या आ गया है जीरो पॉइंट वन फोर आ गया ठीक है जो हमने इस्टीमेटेड जो हमारे साथ एप है ठीक है और यहाँ पर जो है टेबुलेटेड जो टेबल से हम लेते हैं स्टार ठीक है तो मैं टेबल से हम हमारे साथ आएगा ठीक है तो मैं अभी इसको इसका एप डिस्ट्रीब्यूशन से हमने लिया है ठीक है तो मैंने जो है वो पुराना वाला तरीका वो ख़त्म हो गया कि मैं जो है टेबल की वो टेब। एप टेबल एप की जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके टेबल खोलूंगा और फिर फिर देखूंगा वही दौर खत्म हो गए ठीक है तो मैं जो है इसकी कमांड जो है वो मैं सारा लिखूंगा ठीक है एक्सेल एकसे में ठीक है और वो जो है हमें एग्जैक्ट डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो एप स्टार के हमें दे, दे देगा ठीक है और फिर हम जो है एस्टिमेटेड जो आता है ठीक है और फिर जो है एप स्टार जो आता है ठीक है तो अगर एस्टिमेटेड जो है वो एप स्टार से ज्यादा होगा तो हम जो है नल एपादेश को रिचेक्ट करेंगे ठीक है अगर एफ स्टार जो है वो एस्टिमेटेड से ज्यादा होगा तो हम नल एपादशी को एक्सेप्ट करेंगे ठीक है तो ये हमारे साथ इसका इसका जो कमांड है एफ स्टार की जो कमांड है इज इक्वल टू एफ डॉट एफ डॉट डेस्ट टू ब्रैकेट जीरो पॉइंट वन फोर जीरो पॉइंट वन फोर मैंने इसलिए क्या यहाँ पर जो एग्जैक्ट डिस्ट्रीब्यूशन हमारे साथ आ गया है ठीक है वो तो मतलब जो एग्जैक्ट एप की वैल्यू आ गई है ठीक है यहाँ पर मैंने वन लिख के है वन मैंने इसलिए लिखा कि लिखा है ठीक है क्योंकि तो ये नोमिनेटर की डिग्री ऑफ फ्रीडम है ठीक है और यहाँ पर फूट एट जो ये हमारे साथ क्या है डिनोमिनेटर की डिग्री ऑफ फ्रीडम है और यहाँ पर मैंने ट्रू लिखा है तो हमारे साथ यू एग्जैक्टली जो है वो एप एप डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर आ गया है ठीक है तो हम फिर इन दोनों को जीरो पॉइंट टू नाइन और जीरो पॉइंट वन फोर का हम फिर क्या करेंगे कंपेयर करेंगे कौन सा बड़ा है ठीक है नो ये बात याद रखनी है कि अगर ये एफ स्टार की जो वैल्यू है अगर ये एफ से ज़्यादा होगा ठीक है तो हम नल हाइपोथेसिस उसको एक्सेप्ट करेंगे ठीक है और अगर ये कम होगा तो वो हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे तो हमें अभी मैं एक्सेल पर आ जाता हूँ ठीक है और मैं आपको ये जो है एप डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इसकी वीडियो कैसे आती है ठीक है तो मैंने एक्सेल को ओपन कर लिया ठीक है यहाँ पर मैंने डायरेक्ट जो है इज इक्वल टू लगाया ठीक है कमांड लगाया और एप लगाया और डार्ट डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है यहाँ पर आप देख सकते हैं तो यहाँ पर एक्स की जो एक्चुअल एप जो है वो हमारे साथ क्या है जीरो पॉइंट वन फोर आ गए ठीक है मैंने यहाँ पर लिखा ठीक है तो नॉमिनेटर की जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो हमारे साथ वन है ठीक है और डिनोमिनेटर के हमारे साथ क्या है पूर्टी एट है ठीक है और यहाँ पर जो है हम ट्रू में लगाऊंगा क्योंकि मुझे कमोलेट कमोलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है वीडियो अच्छा आप देख सकते हैं स्टार जो है ठीक है यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टार, है, है, स्टार की जो वैल्यू है यहाँ पर हम देख सकते हैं जीरो पॉइंट टू नाइन ठीक है और एप की जो वैल्यू आ गई है ठीक है वो हमारे साथ क्या जीरो पॉइंट वन फोर है ठीक है थीके? तो हमें पता है कि एफ इज ग्रेटर देन स्टार इज ग्रेटर देन ठीक है यहां पर हम देख सकते हैं एफ स्टार इज ग्रेटर देन ये वही है जो हमने इस्टीमेट किया है ठीक है और ये एफ स्टार वही है जो हमने टेबल से लिया है मतलब वही टेबल का दौर खत्म हो गया तो हमने एक्सेल में उसको किया ठीक है तो यहां पर आपने नोट करने है कि एफ स्टार इज ग्रेटर देन एफ सो वी कैन एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस एंड रिजेक्ट द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आई रिपीट की एफ स्टार इज ग्रेटर देन एफ वी कैन एक्सेप्ट दी नल हैपाथीसीज एंड रिजेक्ट द अल्टरनेटिव हैपाथीसीज वी कैन एक्सेप्ट एच नाट इज इक्वल टू बीटा टू प्लस बीटा थ्री इज इक्वल टू वन दियर फॉर द कंक्लूजन इन द प्रिजेंट एग्जाम्पल इज डेट द इस्टिमेटेड ऑफ डगलेस प्रोडक्शन फंक्शन इन टेबल टू फाइन टू प्राउ विली एक्सैबिट कॉन्टन टू स्केल

इसकी जो एडिशन है वो जीरो पॉइंट नाइन एड आता है मतलब वो वन के नजदीक आता है तो यहाँ पर हमने जो यहाँ पर मॉडल एस्टिमेट किया है यह कॉन्सटेंड्रटेड टू स्केल है ठीक है मतलब वहां पर जो हमने मॉडल इस्टिमेट किया है ये एग्जैक्टली exactly जो है वो कॉन्स्टेंडर टू स्केल है वन के बराबर है तो हमने इसको रिस्ट्रिक्शन भी अप्लाई किया मतलब ये कि वहाँ पर जो हमने टेबल टू पॉइंट टू में हमने इस्टीमेट किया है वो एग्जैक्टली exactly जो है कॉन्स्टेंड्रेड स्केल है ठीक है वहां पर हमने स्टीप तरह वो एस्टिमेट हुआ है ठीक है Thanks for watching my video. Please subscribe to my YouTube channel. Uh, thank you, Allah Hafiz.